प्रदेश में हो रही लगातार मानसूनी बारिश के चलते पूर्वी इलाकों में कई स्थानों पर जल भराव की समस्या उत्पन्न हो रही है। बारा में कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं धौलपुर में चंबल खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सवाई माधोपुर में भी बारिश ने पिछले 16 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पूर्वी राजस्थान में आज से बारिश की गतिविधियों में कमी होने की संभावना है। वहीं कोटा संभाग के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। सवाई माधोपुर जिले का मध्य प्रदेश से संपर्क बाधित है। कोटा दौसा राजमार्ग भी बंद है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में पूर्वी जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बरसात की चेतावनी दी है। राज्य में अब तक बारिश संबंधी घटनाओं में 9 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा बारिश कोटा जिले के खातौली में 280 mm रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर और बारा जिलों में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी रिपोर्ट किया गया है। बात करें यदि बारा डिस्ट्रिक्ट की शाहबाद में, तो शाहबाद में आज लगातार तीसरे दिन एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है। पिछले 24 घंटों में 208 mm रेन रिकॉर्ड की गई है और इसके साथ ही पिछले 5 दिनों में 4 ऐसे दिन दर्ज किए गए हैं जब शाहबाद में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 200 mm से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। फोरकास्ट की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश के ऊपर बने हुए बेलमार्ट लो प्रेशर सिस्टम जो है वो आज कमजोर होकर लो प्रेशर सिस्टम में कन्वर्ट हो गया है और अभी भी नॉर्थ वेस्ट MP के ऊपर यह सिस्टम बना हुआ है। हालांकि सिस्टम के कमजोर होने से आज पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी होने की संभावना है, लेकिन कोटा संभाग के जिलों और आसपास के जिलों में अभी भी रुक रुक कर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम केंद्र